एसडीएफ न्यूज स्वागत करता है आपका 10 बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं आजाद। विपक्षी पार्टियों के लिए देश और देशभक्ति का कोई मायने नहीं, यह कहना है सूबे के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का। वे यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान द्वारा जारी नए नक्शे में जिस प्रकार जूनागढ़ रियासत को वही का बताया गया है, वास्तव में जूनागढ़ की कोई सीमा पाक से मिलती ही नहीं है। इस मसले पर विपक्ष क्यों मौन है? जनता से सत्ताधारी दल का कोई लेना देना नहीं है, तभी तो पूरा महकमा इस आपदा काल में नहीं निकल रहा है। लेकिन हम प्रतिपक्ष के लोग इस कोरोना और बाढ़ के बीच जनता की सूद कैसे न ले, यह कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बड़े जोशीले अंदाज में कहा है कि वे बिहार में राम राज लाएंगे। वे सरकारी तौर तरीकों से खिन्न हैं क्योंकि बाढ़ और कोरोना रोकथाम में सरकार फेल रही है। वे चाहते हैं कि सरकार बाढ़ पर श्वेत पत्र लाए। चुनाव का समय नजदीक आते देख कांग्रेसियों को बिहार की याद आने लगी। वर्चुअल संवाद के साथ राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि आगे की राजनीति बिहार ही तय करेगा। रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि विधानसभा चुनाव के मद में सीटों को लेकर कोई परेशानी नहीं है, जनता इस बार एनडीए सरकार को हटाने के लिए तैयार है और विधानसभा चुनाव भी अपने तय समय पर ही होंगी। नेपाली क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत ने सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र के लोगों की नींद एक बार फिर से हराम कर दी है। उत्तर बिहार में तो पहले ही से बाढ़ की भयावह स्थिति है, लेकिन यदि नेपाल के क्षेत्र में तेज बारिश हुई तो यहां की नदियां रौद्र रूप ले लेंगी। हालांकि सरकारी स्तर पर सभी चौकस हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात पर बल दिया है कि कोरोना जांच की दिशा में तेजी लाई जाए। हालांकि 60,000 की संख्या से अधिक सैंपल की जांच एक दिन में की गई, जो एक रिकॉर्ड है। निष्पक्ष चुनाव के प्रति चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता रही है और आम जनता का विश्वास आयोग की व्यवस्था पर है भी। इस बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वीवीपैट मशीन का प्रयोग यहां होना है। अयोध्या क्षेत्र की सुंदरता देखने लायक है। सुंदर सजावट, सभी ओर राम धुन और जय श्री राम का जयकारा लगाते श्रद्धालु मन को मोहित कर रहे हैं। भूमि पूजन के बाद से ही लगातार भक्तों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। बिहार सरकार की चिंता बाढ़ और कोरोना दोनों पर बनी हुई है, लेकिन यहां के विपक्षी दलों को केवल राजनीति चाहिए, यह कहना है भाजपा के वरीय नेता हरेंद्र प्रसाद सिंह का। उन्होंने कहा कि इस बार की विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पूर्व एमएलसी बालेश्वर सिंह भारती ने भी कहा है कि आसन्न चुनाव की तैयारियों को आसानी से एनडीए तय करेगा और विपक्षी सदमे में चला जाएगा। तो अब तक 10 बड़ी खबरों को आपने देखा। आप बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए एसडीएफ न्यूज के साथ, और साथ ही इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।